देखिए इंग्लिश में एक शब्द है आपका अनऑथोराइज्ड। तो इस वीडियो में अनऑथोराइज्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या अर्थ और मतलब होता है, दोनों में जानेंगे, एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में यूज करके अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं अनऑथोराइज्ड का अर्थ और मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में। सबसे पहले हिंदी में समझते हैं। देखिए ऑथोराइज्ड मतलब क्या होता है, अधिकृत, और अनऑथोराइज्ड मतलब अनधिकृत, मतलब होता है बिना अनुमति के किया गया, मतलब अनाधिकृत, जैसा कि मैंने पहले बताया, गैर सरकारी, अशासकीय, निषिद्ध या गैर कानूनी, मतलब अनऑथोराइज्ड। इंग्लिश में अनऑथोराइज्ड का मतलब होता है डन विदाउट परमिशन, मतलब इन अ वे दैट इज नॉट ऑफिशियल और नॉट फ्रॉम अ पर्सन इन अथॉरिटी, मतलब हुआ इसका अनऑफिशियल, अनसैंक्शनड, अनसर्टिफाइड, अनलाइसेंस्ड एंड इट इज, मतलब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं, सिनोनिम्स हो सकते हैं अनऑथराइज्ड के। एग्जाम्पल से सेंटेंसेस में समझते हैं, जैसे बोलेंगे आम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रयोग करेंगे हम लोग कि अनऑथराइज्ड पर्सनल्स आर नॉट अलाउड इन द प्रेमिसेस, मतलब परिसर में अनाधिकृत व्यक्तियों को अनुमति नहीं है। तो अनऑथराइज्ड का मतलब अनाधिकृत। दूसरा एग्जाम्पल है अनऑथराइज्ड ऑफेंस इज सफिशियंट रीजन फॉर डिसमिसल, मतलब अनाधिकृत अनुपस्थिति बर्खास्तगी का पर्याप्त कारण है या पर्याप्त कारण होता है। तो अनऑथराइज्ड मतलब अनाधिकृत, मतलब विदाउट परमिशन के। ठीक है, तो मैंने आपने अनऑथराइज्ड शब्द को हिंदी इंग्लिश में एग्जांपल के साथ में अच्छी तरह से समझ लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेयर डेस्क।